हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टेड फोकस फार्मर ऑफ कोर्स, योर सक्सेस पार्टनर, योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों का सपना है कि मुझे अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करनी है, मुझे अपना एक फार्मा बिजनेस शुरू करना है। देखिए दोस्तों, हम फार्मा इंडस्ट्री में चाहे सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, एबीएम हो, आरबीएम हो, जेडएसएम हो, एक सर्टेन पॉइंट व्यू के बाद में हम लोगों के दिमाग में ये थॉट जरूर क्लिक करता है कि यार मुझे अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करनी चाहिए। बट दोस्तों, हम में से ना काफी लोग अपना सपना इस वजह से पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं यार फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करने में कितना सारा पैसा लगता होगा, कितने सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती होगी। तो काफी सारे लोगों ने अपना सपना सिर्फ इसी वजह से छोड़ देते हैं। तो आज दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं कि यदि आपको अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करनी है, आपका सपना है फार्मा मार्केटिंग कंपनी चलाने का, तो आपको इनिशियली कितने बजट की रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों, ये सपना मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बिकॉज आप लोगों की तरह मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पास भी कुछ बहुत ज्यादा फंड्स नहीं थे, बजट नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करी और आज मैं उसको सक्सेसफुली चला रहा हूं। तो हो सकता है दोस्तों आपको मेरी स्टोरी से कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ इंस्पिरेशन मिले, और अभी तक जो आप अपना डिसीजन नहीं ले पाए फार्मा मार्केटिंग शुरू करने का जस्ट बिकॉज ऑफ फंड्स, तो हो सकता है आज के वो आपके मिथ क्लियर हो जाए, आपके मेंटल बैरियर टूट जाए और आज अपनी आप फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करने की तरफ एक ठोस और एक मजबूत कदम बढ़ा सको। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले प्लीज आ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो हम आपके फार्मा करियर के लेके आते ना, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरे पर्सनल स्टोरी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं कि मैंने कितने मिनिमम बजट में कंपनी शुरू करी थी। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए आपके पास तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, तीन कॉम्पोनेंट्स में आपका मेजरली पैसा एग्जॉस्ट होता है। उसमें सबसे पहले कॉम्पोनेंट की बात करें तो वो है गवर्नमेंट की कॉम्प्लायंसेस, सेकेंड नंबर की बात करूं तो वो है आपका प्रोडक्ट, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो वो है आपका प्रमोशनल इनपुट। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करनी है तो आपको ये तीन ही कंपोनेंट है जिसमें आपका पैसा इनिशियली इन्वेस्ट होने वाला है, और ये तीन कंपोनेंट के बेस पे ही आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले कंपोनेंट की अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉम्प्लायंसेस की, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करनी है तो आप देखिए, अगर ये ड्रग से रिलेटेड काम है, आपका फार्मा से रिलेटेड काम है, तो आपको सबसे पहले जरूरत होगी एक ड्रग लाइसेंस की। और हर स्टेट में अगर बताऊं, ड्रग लाइसेंस ऑप्टेन करने के लिए ना कुछ अलग गाइडलाइंस हैं, कुछ अलग नॉर्म्स हैं। तो आप जो भी स्टेट में अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उस स्टेट की ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी में जाना होगा, वहां पे जाके आपको पता करना होगा कि यदि आपको उस स्टेट में ड्रग लाइसेंस लेना है तो वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है पेपर्स की, वहां पे क्या उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की जिनको आप अप्लाई करके इजिली ड्रग लाइसेंस ले सकते। और देखिए दोस्तों, हर स्टेट में ना ये ड्रग लाइसेंस लेने का खर्चा अलग अलग आता है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो मैंने तो जो फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करी थी दिल्ली स्टेट से की थी, तो दिल्ली स्टेट में उस टाइम मेरे 3,500-4,000 रुपए उस टाइम गवर्नमेंट की फीस होती थी, और जो ऊपर के एक्सपेंसेस थे 20,000-25,000 मेरे ऊपर के एक्सपेंसेस में लगी। तो इनिशियली मेरे को 30,000 रुपए खर्चा आया था टू गेट दी ड्रग लाइसेंस। तो ये हर स्टेट में जैसे मैंने बताया अलग अलग हो सकता है आपके स्टेट में 40,000, हो सकता है आपके स्टेट में 50,000 का खर्चा है। तो ये आपको एक्जैक्टली तभी पता चलेगा जब आप ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी पे जाएंगे पता करने। बट अगर मैं यहाँ पे मोटा मोटा बात करूँ ना, तो सबसे पहले अगर गवर्नमेंट गाइडलाइंस की या गवर्नमेंट कॉम्प्लायंसेस एज ए फार्मा मार्केटिंग कंपनी आपको फॉलो करनी होती है, वो होती है ड्रग लाइसेंस। और ड्रग लाइसेंस लेने में नॉर्मली 40,000-50,000 का खर्चा आप मान के चलो आपका टेंटेवली इनिशियली आएगा। दूसरी अगर मैं गवर्नमेंट कॉम्प्लायंसेस की बात करूँ टू स्टार्ट दी फार्मा मार्केटिंग कंपनी, आपको चाहिए एक जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सर्टिफिकेट का कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। जो भी आपका कोई नोन टू सीए हो या आपके आसपास कोई सीए हो, आप उसके पास जाके ये अप्लाई करवा सकते हैं आराम से। सीए आज के टाइम में मेरे ख्याल से 1,000-1,500 रुपए इसका चार्ज कर रहे हैं, और ये घर बैठे बैठे 10-12 दिन के अंदर आपके पास आ जाता है। तीसरा अगर मैं कॉम्प्लायंसेस की बात करूं तो वो आपको चाहिए होगा एफएसएसआई नंबर। कि यदि देखिए आप इनिशियली कुछ फूड्स के प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कुछ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो उसके लिए आपको लगेगा एफएसएसआई नंबर। तो तीसरा एफएसएसआई आपको अप्लाई करना है। एफएसएसआई भी आपको 3 साल, 5 साल या 1 साल के लिए मिल जाता है। मैं अगर इसकी एफएसएसआई की कॉस्ट की बात करूं तो एफएसआई लाइसेंस नंबर लेने के लिए आपको इनिशियली 2,000-2,500 रुपया खर्चा आएगा। तो अगर मैं ऑल टुगेदर देखू ना, टू गेट दी ड्रग लाइसेंस नंबर, टू गेट दी जीएसटी नंबर, टू गेट दी एफएसआई नंबर, आपका मोटा मोटा 50,000 रुपया खर्च होने वाला है सिर्फ गवर्नमेंट की कॉम्प्लायंसेस को फॉलो करने में। तो जैसे मैं बताया, सबसे पहला कॉम्पोनेंट था आपको गवर्नमेंट की कॉम्प्लायंसेस। अब इसको ना आप एक एक करके टोटल करते जाना, और एट द एंड ऑफ द वीडियो देखना आपको कितना खर्चा लगा एक फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करने में। तो पहला कॉम्पोनेंट की मैं बात करूं तो उसमें आपका 50,000 का खर्चा आएगा ही आएगा। और यहाँ पे ना दोस्तों, मैं एक आपको थोड़ा सा एडिशन और देता हूँ जो मैंने पर्टिकुलरली फॉलो किया था, और मैं हमेशा अपने न्यू फार्मेंटर्स प्रियर्स को ये सलाह देता हूँ फॉलो करने के लिए। इसमें देखिए बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर आपने काम करना, आपने ड्रग लाइसेंस ले लिया, आपने जीएसटी ले लिया,
आपने FSI नंबर ले लिया, दूसरा काम आपने क्या करना है कि जो भी आपने अपनी कंपनी का नाम सोचा आपको लेना है उसका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। हाँ दोस्तों, अगर आपको इनिशियली देखिए 5 करोड़ से कंपनी शुरू करनी है, 10 करोड़ से शुरू करनी है, आप सारे प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क मत लीजिए इनिशियली, बट मेरे कहने से जब आप यूनो फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करें तो एटलीस्ट कंपनी का जो नाम आपने रखा है उसका ट्रेडमार्क जरूर अप्लाई करें, उसका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आप जरूर लें। अगर मैं दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में ट्रेडमार्क लेने का खर्चा आता है 5.5 से 6 हजार रुपए, और यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप लॉन्च करें तो उसमें 8 से 9 हजार रुपए का खर्चा आता है। तो यदि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म यूनो शुरू करें तो आप देखिए आपका 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा इसमें सिर्फ आने वाला है, और इसका ना जो अल्टीमेट बेनिफिट होता है कि कल के दिन को जब आपका कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया और जो आप प्रोडक्ट का नाम अपना जब रखोगे तो प्रोडक्ट का नाम ऑब्वियसली बात है हर कोई बंदा अपनी कंपनी से और सॉल्ट से मैच करता हुआ रखता है, तो जब आप अगर आपने इनिशियली प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं भी कराया, आप हो सकता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद प्रोडक्ट का रजिस्टर्ड कराओ ट्रेडमार्क, तो आपको दैट टाइम यदि आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड हो गया तो दैट टाइम आपको ईजी हो जाएगा प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कराने में, प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क लेने में। तो इसलिए दोस्तों ज्यादा कुछ मत करो, बहुत 5-6 हजार का खर्चा है, पर ट्रेडमार्क एटलीस्ट कंपनी के नाम का जरूर लेना। तो अभी अगर हम बात करें ओवरऑल कॉम्प्लायंसेस की तो ओवरऑल कॉम्प्लायंसेस में आपका लगभग 60 हजार रुपए जाने वाला है, बट ये 60 हजार रुपए खर्च करके आपकी कंपनी की फॉर्मेशन होगी, आपकी कंपनी की एग्जिस्टेंस मार्केट में होगी। अब दूसरे कॉम्पोनेंट की बात करूं, दूसरे मेजर खर्चे की बात करूं तो वो होता है किसी भी फार्मा कंपनी को शुरू करने के लिए प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, जब मैंने ये कंपनी शुरू करी थी तो मैंने तो केवल ये कंपनी 5 प्रोडक्ट से शुरू करी थी, उसमें जो मेरा पहला प्रोडक्ट था वो था एंटीबायोटिक, दूसरा था मेरा एंटासिड रेमिप्राजोल डोम्बेडोन, तीसरा था मेरा एंटी एनर्जी, चौथा था मेरा कैल्शियम, और पांचवा था एक मेरा मल्टीविटामिन। तो मैंने ये 5 करोड़ से कंपनी शुरू करी थी। इनिशियली अगर आप देखो ना यार, तो एंटीबायोटिक को बनवाने का खर्चा हमेशा ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड। तो मेरा जो सबसे मेजर जो पैसा लगा था कंपनी शुरुआत करने में, प्रोडक्ट बनवाने में, वो एंटीबायोटिक में ज्यादा लगा था। और एज ए एंटरप्रेन्योर ना आपको इनिशियली क्या देखना होता है कि आप फंड्स कहां से बचा सकते हो, तो टू सेव दी फंड्स मैंने क्या करा इनिशियली ना, जो बैच साइज था वो मैंने बहुत कम बनवाया था, वो मैंने शायद, मुझे आज भी याद है, मैंने शायद 200-200 बॉक्स के बैच साइज बनवाया था। तो इनिशियली अगर मैं फंड्स की बात करूं तो आपका अगर 5 करोड़ से भी आप अगर अपनी कंपनी ना आप सफिशियंटली शुरू कर सकते हो, अच्छे से शुरू कर सकते हो, और अगर यदि आप मेरी तरह 5 करोड़ से अपनी कंपनी शुरू करने वाले हो तो टेंटिवली आपको 5 प्रोडक्ट बनाने का ना जो खर्चा आएगा अगर आप मिनिमम बैच के साथ जाओ तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो यार कि 40 to 50 thousand rupees आपका पर प्रोडक्ट खर्चा आने वाला है। तो इनिशियली जो मेरा खर्चा आया था उस टाइम मेरे ख्याल से 1,70,000-1,80,000 का खर्चा आया था। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, अगर आप आज भी 5 करोड़ से कंपनी शुरू करो और जो मैंने फॉर्मूला बताया कि उसमें एंटीबायोटिक अगर आप ना लॉन्च करो इनिशियली, सिर्फ जनरल प्रोडक्ट जो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स के हैं, फूड्स के हैं, या एंटा एसिड है या एंटी एलर्जिक है, पेन किलर, अगर आप इनसे कंपनी जनरल प्रोडक्ट शुरू कर रहे हो तो इनिशियली आपका बताओ 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला अगर आप 5 करोड़ से भी कंपनी शुरू करते हो। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया आपके 2 कॉम्पोनेंट्स पूरे हो गए, मैंने बताया 60 हजार रुपए खर्चा आपका आया गवर्नमेंट कॉम्प्लायंसेस में और 2 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेटली आपका खर्चा आया टू गेट दी प्रोडक्ट। तो आपका अभी तक जो टोटल खर्चा हुआ है 2,60,000 रुपए। अब जल्दी से बात कर लेते तीसरे कॉम्पोनेंट की। तीसरा कॉम्पोनेंट क्या होता है फिर से फार्मा कंपनी, आपका होता है प्रमोशनल इनपुट, प्रमोशनल मटेरियल। वो प्रमोशनल इनपुट और प्रमोशनल मटेरियल क्या होता है कि आप जब फार्मा मार्केटिंग अपनी कंपनी लेके जाएंगे तब आपको वर्किंग के लिए एक बैच चाहिए, विजुअल एड चाहिए, आपको LBL चाहिए, आपको कुछ सैंपल्स चाहिए, और जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो इनिशियली आपको कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स आपको डॉक्टर को देने के लिए चाहिए होते हैं। तो मैं दोस्तों से बताऊं अगर इसमें ओवरऑल मैं खर्चे की बात करूं तो देखिए विजुलेट बनाने में कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, एलबिल बनाने में कोई 2,500-3,000 का ज्यादा खर्चा नहीं आता है ना। प्रमोशनल इनपुट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि टोटली कि आप कितना बड़ा बजट प्रमोशनल इनपुट के लिए प्लान कर रहे हैं, बट यदि आपको टू गो विद द मार्केट है, जस्ट टू लॉन्च इन द मार्केट है, तो ये जो सारा खर्चा है ना आपका, ये सारा खर्चा आपका 20 से 25 हजार रुपए में हो जाता है। तो प्रमोशनल इनपुट की मैं बात, अभी मैं बड़े इनपुट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ी एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहा हूं जो लोग फार्मा कंपनी करती हैं, जो फार्मा पर्सन करते हैं, मैं जस्ट बात कर रहा हूं टू गो इनटू द मार्केट, टू जस्ट लॉन्च योर कंपनी टू द मार्केट। तो अल्टीमेटली यार अगर मैं आपको उसको टोटल कर लो ना तो आपका 60,000 रुपए गवर्नमेंट कॉम्प्लायंसेस, 2 लाख रुपए आपका प्रोडक्ट और 30 से 40 हजार रुपए आपका ये खर्चा। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 लाख रुपए चाहिए अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करने के लिए, है ना दोस्तों। जो मैंने बताया कि ये मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको सही बताऊं, जब मैंने अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करी थी ना, मेरे पास सिर्फ सेविंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए उस टाइम पड़े। उस टाइम 3 लाख रुपए का मैंने लोन उठाया था, तो वो 3 लाख रुपए का लोन उठा के मैंने ये कंपनी शुरू करी थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जो अपनी फार्मा कंपनी शुरू करी थी ना, मैंने अपनी फार्मा कंपनी अंडर 3 लाख शुरू करी थी, 3 लाख के अंदर अंदर शुरू करी थी। तो वही जो मेरा एक्सपीरियंस था वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर किया है कि यदि देखिए आपके, हमें लगता है ऐसा कि हमें बहुत बड़े फंड्स की रिक्वायरमेंट है, हमें बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट है, बट दोस्तों टू बिगिन द कंपनी, टू बिगिन द बिजनेस, जस्ट टू लॉन्च योर कंपनी, जस्ट टू लॉन्च योर सेल्फ इन टू द मार्केट, आपको कोई बहुत ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपके पास 2.5 से 3 लाख रुपए भी है ना,
अगेन आई एम मेकिंग यू वेरी क्लियर कि यदि आपके पास 2.5 से 3 लाख रुपए भी तो भी आप अपनी फार्म मार्केटिंग कंपनी शुरू कर सकते हो, अपनी फार्म मार्केटिंग कंपनी को लॉन्च कर सकते हो। और मैं हमेशा इन्हें अपने फार्म एंटरप्रेन्योर को एक सलाह जरूर देता हूं कि आपको यदि आपके पास इन्हों फंड्स भी बहुत ज्यादा है बट आप उन्हें शुरुआत से ही थोड़ा सा फंड्स को कंट्रोल करके चलना है, थोड़ा सा इन्हों चीजों को कंट्रोल करके चलना है। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप मार्केट में जाते हो ना दोस्तों अपनी कंपनी लेके, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब आपको मार्केट सिखाती है, जब आपको इन्हों मार्केट में जाकर कुछ चीजों को अपने चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी को चेंजेस करना पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने होते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे फंड्स भी हैं और यदि आपने इनिशियली सारा फंड्स इनिशियली फेज में ही कंपनी में लगा दिया, तो देन आपको जब चेंजेस करने पड़ेंगे, देन आपको जब यू नो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे अपने बिजनेस में, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों यदि आपके पास ज्यादा बजट भी है ना, तो मेरी सलाह मान के ना आप शुरुआत छोटे से कीजिए, छोटे से बड़े बन जाओगे ना तो सब आपकी बाय बाय करेंगे, सब आपको इन्हें अप्रिशिएट करेंगे। बट बड़े से छोटा जब भी आदमी आता है ना, तो आदमी को पेन बहुत ज्यादा होता है और वो जो नुकसान होता है ना, उस नुकसान से आपका कॉन्फिडेंस इतना टूट जाता है कि आप आगे दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं रख पाते हो। तो दोस्तों कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको बताने की अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि यदि आपका सपना एक फार्म मार्केटिंग कंपनी शुरू करने का, तो आपको कितने फंड्स की जरूरत है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास 2.5 से 3 लाख रुपए भी है ना, तो आप अपनी फार्म मार्केटिंग कंपनी शुरू कर सकते हो। और यदि दोस्तों अगेन आपको अभी तक वो गाइडेंस नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है, तो मैं हमेशा इन अपने वीडियो के नीचे हमेशा अपना टेलीफोन नंबर और मेल आईडी जरूर छोड़ता हूं, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपके पास 2.5 से 3 लाख रुपए भी ना, तो भी मैं आपकी फार्मा कंपनी शुरू करवा दूंगा। सो नो बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो अगेन आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाकी सब लोगों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी गुड डे।